The question given is if cosec theta plus cot theta is equal to c, then we have to find the value of cos theta. तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 और a square minus b square को हम लिख सकते हैं a minus b into a plus b. तो ये हो जाएगा cosec theta minus of cot theta into cosec theta plus cot theta is equal to 1. तो ये हो गया cosec theta minus of cot theta. इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें c गिवन थी, तो ये 1 के इक्वल हो गया. तो ये हो जाएगा cosec theta minus of cot theta is equal to 1 by c. हमें एक और वैल्यू गिवन है कि cosec theta plus cot theta is equal to c. अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 cosec theta is equal to 1 by c plus c. That means cosec theta की वैल्यू हो जाएगी 1 plus c square by 2c के इक्वल. ठीक है, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ये हो गया एंगल थीटा. ये है परपेंडिकुलर साइड, ये हाइपोटेन्यूस साइड और ये बेस साइड. कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. ये हमें गिवन है 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 सी के. इसका मतलब हाइपोटेन्यूस हो गया 1 प्लस सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया 2 सी. तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है. तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 सी का स्क्वायर. दैट इज 1 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर. दैट इज 1 माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो बी हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर के इक्वल. तो ये गया 1 माइनस सी स्क्वायर. हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. दैट इज 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर. अगर हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखें तो 1 माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको हम सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो b की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी. तो ये 1 माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 1 होगा. तो अगर ये सी स्क्वायर माइनस 1 है तो cos थीटा हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर. तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है. सो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.